प्रश्न पूछूं? सेकेंड स्टैंडर्ड बच्चा आप जवाब देना प्लीज, हाँ योर स्टूडेंट्स सेकेंड और माता पिता भी जवाब देना। सेकेंड स्टैंडर्ड का बच्चा परीक्षा लिखने जाता है, दसवीं कक्षा का बच्चा परीक्षा लिखने जाता है, सेकेंड वर्सेस टेंथ कौन से बच्चे को एग्जाम का ज्यादा डर होगा? टेंथ स्टैंडर्ड। मैंने नहीं लिखा, स्वामी विवेकानंद जी का कोट बता रहा हूँ। आई मीन ही इज समबडी आई वुड रिस्पेक्ट एंड आई वुड डेफिनेटली लव टू फॉलो हिम, नॉट अ वेरी सिंपल पर्सन, वेरी फैंटास्टिक विद लॉट ऑफ रिगार्ड एंड रेवरेंस आई वुड फॉलो इट। मेरे को गुरु नानक देव जी भी उतना ही सम्मान नहीं है जितना प्रॉफिट मोहम्मद है, उतना ही क्या बोलते हैं गौतम बुद्ध है, उतना ही कृष्ण है, उतना ही आप होंगे प्रोवाइडेड, अन्यथा मैं रिस्पेक्ट जरूर करूंगा, मानूंगा नहीं। और मैं अपनी मन की भी नहीं मानूंगा, अपनी मन की भी तभी मानूंगा, फिर क्या फायदा आपकी नहीं मान के अपनी मान रहा हूं, देयर इज मेक एनी सेंस। ये दो होना बहुत जरूरी है। स्वामी विवेकानंद जी का कोट मैंने नहीं लिखा है, ही सेड अबाउट एजुकेशन, द पर्पस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य, द बेसिक प्रमाइस, द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू मेक द चाइल्ड फियरलेस। और यहां उल्टी गंगा बैठी एंड यहां फियर मोर होता जा रहा है। मैंने सच्ची कहा था, आप गलत बात पे ही ताली बजा रहे हो, आई डोंट नो किसके लिए ताली बजा रहे हो, I mean, I appreciate it. हाँ ये बात करेक्ट है, विवेकानंद जी के लिए बात आगे बजा रहे हैं, अच्छा इसके लिए बिल्कुल अच्छी अच्छी बातें भी याद करा रहा हूँ दीदी, तब तो बड़ा ही लाइक इट, आप ताली बजा सकते हैं, ठीक है। प्लीज बताइए किसने इस बच्चे को टेंथ स्टैंडर्ड तक डराया? कॉन्फिडेंस है, पेरेंट्स है, टीचर्स है, वो कुछ डरे हुए हैं इसलिए उनको डरा रहे हैं, बच्चों अभी क्या वो डरे हुए अपना डर पास ऑन कर रहे हैं। हाँ ये करेक्ट है, माता पिता डरे हुए हैं वो पूरा डर बच्चों पे, लेकिन बट आप तो बच्चों से बहुत प्यार करते हो, आप तो कितना प्यार कितना प्यार किया बच्चों के लिए तो जी रहा है सर। हेलो ये सब है ना सेल्फ एक्लेम्ड सर्टिफिकेट्स हैं, खुद को ले दे रहे हमने बहुत किया बच्चों के लिए, हमने बहुत किया बच्चों के लिए, अब ये नहीं नजर आ रहा कि डराया भी बहुत। पता है गलत मिरेकल बताऊं, गलत मिरेकल बताता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। मैं ना लखनऊ में 12वीं कक्षा के बच्चों का कार्यक्रम कर रहा था और मेरा टॉपिक था मन की बात, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, टॉपिक भी मन की बात थी, तो मैंने कहा दीदी क्या करना है इसमें, हमें थोड़ा सा गाइडलाइन दो, आपने क्या सोच के ये टॉपिक, बोला नहीं नहीं आपको कुछ भाषण नहीं करना, बच्चे प्रश्न पूछेंगे एंड दे वर प्रिपेयर्ड टू आस्क क्वेश्चन। करीब 5-6 स्कूल के बच्चों को ऐसे ही एक ऑडिटोरियम में बिठाया था, मोर देन 1200 स्टूडेंट्स ओनली 12th स्टैंडर्ड, और उनको ये बताया गया था कि गिरीश सर ट्रेनर हैं, बिहेवियरल स्पेशलिस्ट हैं, बहुत अच्छा अच्छा बताया था कि आपको जो मन में प्रश्न बिना हिचक आप चिट्ठी में लिख के दे सके, एनोनिमस, कोई को पता नहीं चलेगा किसने पूछा। तो मैंने कहा तो बहुत इजी है, फिर मुझे कुछ प्रिपेयर नहीं करना है, आई जस्ट नीड टू गो एंड एक्सटेम्पोर डिलीवर माय जो भी क्वेश्चंस। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा और मैं चाहता हूँ कि जवाब आप दे, जवाब आप मुझे नहीं दे खुद को दे, ठीक है? यू गिव एन आंसर टू योरसेल्फ कंसिडरिंग कि आप मेरे स्थान पर होते और ऐसे ही सभा में वो बच्चा आपसे प्रश्न पूछता, और आप भी बहुत अपने फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हैं, आपको बहुत रिच एक्सपीरियंस है, सो कंसिडर योरसेल्फ सिटिंग हियर और वो बच्चा आपसे प्रश्न पूछता, तो आप क्या जवाब देते? मुझे मत जवाब दीजिएगा, बस सोच के रखिएगा द आंसर। वो बच्चे ने मुझसे पूछा इन फ्रंट ऑफ द होल ऑडियंस, अंकल झूठ बोलना चाहिए या नहीं? I'll give you 30 seconds. Think about an answer, but don't give me an answer. You give an answer to yourself. Done. पता है मैंने क्या जवाब दिया? Thanks to Brahma Kumaris. Believe me, मेरा जीवन इतना sweet और इतना beautiful, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये बहनों की और इनके सत्य ज्ञान की वजह से, and I acknowledge it very openly. मेरे MBA के 2 साल के टीचर्स ने जो नहीं सिखाया, मेरे माता पिता ने विद ड्यू रिस्पेक्ट सिर्फ उनके चरणों में रखकर मैं कह सकता हूँ
उनको जो सिखाना था ये था, उन्होंने नहीं सिखाया, और मैं बस एक ही चीज चाहता था, मैं टीच नहीं और दोस्त मार्केटिंग सिखाया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिखाया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाया, स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग सिखाया, कंज्यूमर बिहेवियर ये नहीं सिखाया, डर को कैसे दूर करना नहीं सिखाया। पता है मैंने वो बच्चे को क्या जवाब दिया? थैंक्स टू ब्रह्मा कुमारी, मैंने कहा बच्चे झूठ बोलना चाहिए या नहीं, इट इज फॉर यू टू डिसाइड, नॉट फॉर मी टू आंसर। ये तुम्हें निर्णय करना है झूठ बोलना चाहिए या नहीं। और नंबर टू, 17 साल लिटिल ऑन द मैच्योर साइड, 17 साल तक तुमने अभी तक डिसाइड नहीं कर पा, अभी भी कंफ्यूजन में हो, फ्लक्स में हो, डाउट में हो कि सच बोलना चाहिए या नहीं। कौन सी शिक्षा, कौन सा ग्रोथ, कौन सी मैच्योरिटी, कौन सा ज्ञान, कौन सा पीसीएम, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, बिहेवियरल साइंसेस, क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। हर साल शायद 5 सब्जेक्ट के 5 डिफरेंट टीचर्स इनटू 12 इयर्स, दिस मेनी नंबर ऑफ पीपल हैव गाइडेड यू। गुरु, गुरु बड़ा आदरणीय होता है, गुरु सत्य, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो, देव समान है, सत्य के अलावा कुछ नहीं करेंगे। और 12वीं कक्षा में आकर आज भी मैं कंफ्यूज, तो सच बोलना चाहिए नहीं, क्या कर लिया? आपको नहीं लगता देयर इज नो मिरेकल इन लाइफ? छोटी सी बात है, आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड। मैंने कहा मैं तुम्हें ये तो नहीं बताऊंगा कि झूठ बोलना चाहिए या नहीं, इट इज फॉर यू टू डिसाइड, बट एक चीज बता सकता हूँ। बोला क्या अंकल? मैंने कहा मैं ये जरूर बता सकता हूँ तुम प्रश्न क्यों पूछ रहे हो। बोला व्हाट? मैं क्यों प्रश्न पूछा ये भी आप बताए। मैंने कहा ये मैं बता सकता हूँ। बोला क्यों मैंने प्रश्न पूछा? मैंने कहा तुम कन्वीनियंटली अपनी कमी कमजोरी को मुझसे सर्टिफाई कराना चाहते, क्योंकि अंकल तो बड़े ग्रेट है, बहुत महान है, और अगर वो कह दें कि थोड़ा बहुत चलता है, वाह चलता है यार, अंकल ने कहा सर्टिफाइड ले लो, पापा अंकल ने कहा, बोल सकते। अपने बारे में सोचिए, हम सब अपनी कमी कमजोरियों को किसी और से रेटिफाई कराना चाहते हैं, ये करते हैं ना तो हम भी कर सकते हैं, उसने तो किया था ना तो हम भी कर सकते हैं। यस और नो? प्लीज बताइए, वेयर इज दिस मिरेकल ऑफ लाइफ? थोड़ा सा चिंतन करें, कितना ब्यूटीफुल ये लाइफ है और उसको कितना ब्यूटीफुली कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करो, आप मुझे पूछें, गिरीश भाई आप सच बोलते हैं क्या? ओम शांति सत्य ब्रह्मा कुमारी 22 इयर्स दे हैव मेड योर लाइफ आध्यात्मिकता। मैं बहुत कॉन्फिडेंटली सच्चे दिल से, रिकॉर्ड हो रहा है, कॉन्फिडेंटली आप सबको कह सकता हूं हां झूठ बोलता हूं। प्रश्न, ये झूठ का आधार क्या है? बिटवीन टू पीपल, बिटवीन अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड, बिटवीन टू पीपल, फ्रेंड्स, टीचर एंड टॉट, बिटवीन अ बॉस एंड अ सबॉर्डिनेट, बिटवीन टू पार्टनर्स, किसी भी दो लोगों के बीच में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से झूठ क्यों बोलता है? प्रश्न पूछूं, 12वीं कक्षा का 17-18 साल का बच्चा अपनी माँ से झूठ बोलता है, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, उस माँ और बच्चे के संबंध क्या है? झूठ। और माँ कहती कितना किया तुम्हारे लिए, तो झूठ बोलता 9 महीने अपने कोक में रखकर तुमको अपने खून से सींचा, वो डिलीवरी का पेन मैंने अनुभव किया, तू रात भर सोता नहीं था ना, बीमार था ना, मैं नहीं सोती थी, पिछली 2 दिवाली में मैं बाप ने अपने लिए नया शर्ट नहीं खरीदा तेरे को यूएस में एमएस भेजने के लिए, तू झूठ बोल रहे हो। हेलो, रो क्यों रहे हो ये बता, परेशान क्यों हो? बच्चे पैदा करके 15 साल के बाद रोने के लिए ये दिन के लिए आपने मेहनत की थी क्या? झूठ का आधार डर। पता है मैं आपसे सच क्यों बोला कि मैं झूठ बोलता हूं? क्योंकि मुझे आपसे डर ही नहीं है। कल 2 घंटे के क्लास के बाद टाटा बाय बाय गुड नाइट, आई डोंट एग्जिस्ट फॉर यू, मैं तो यहां से निकल जाऊंगा। आप मेरे बारे में क्या इमेज रखते हो, क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते, उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है, फिनिश इट ऑफ।
और मैं सीधे 17th को फ्लाइट पकड़ता हूँ, डायरेक्ट फ्लाइट टू मुंबई, 10 बजे पहुंचता हूँ एयरपोर्ट पे, 12 बजे घर पहुंचता हूँ, टिंग टॉन्ग बेल बजाता हूँ। माय वाइफ 15 इयर्स ऑफ मैरिज, उन्होंने ये यूट्यूब देख लिया और बेल बजाते ही साथ ओम श्री गणेशाय नमः करके कदम अंदर रन नहीं रखा उसके पहले, बोला वहीं रुको। मैंने कहा क्या हुआ, 15 साल हो गया शादी को, तुमने मुझसे कभी झूठ बोला? तो पता है मैंने क्या जवाब दिया, मैं और झूठ? सत्यता बताऊं, अपनों से हम झूठ बोल जाते हैं और परायों से सच बोलते हैं, होना क्या चाहिए? क्या बात, आराम से। जस्ट थिंक अबाउट इट, जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उनको हम झूठ बोल जाते हैं, और सारी दुनिया इस अनजान गिरीश को, काउंसलर को, स्पिरिचुअल पर्सन को अपने जीवन का डार्केस्ट सीक्रेट बड़े ओपनली डिस्कस कर लेते, क्योंकि मैं नॉन जजमेंटल हूं, मेरा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। और वही व्यक्ति अपने घर वालों के साथ महा झूठ बोल जाता है, यस और नो? ये बच्चियां आप अपने माता पिता को झूठ बोलते हो, लेकिन आप अपने फ्रेंड्स के साथ यू विल शेयर एवरीथिंग, और इस फ्रेंड ने ना आपको कुछ एक फूटी कौड़ी नहीं दिया, उल्टा खर्चा करवाया, और माता पिता खून पसीने की कमाई आपके लिए खर्चा कर रहे हैं, यू कैन लाइव विद देम। आई हैव सीरियस डाउट्स ऑन द ट्रुथ ऑफ योर रिलेशनशिप।